विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि 14वीं विधानसभा का चौथा सत्र अपेक्षा अनुरूप पूर्ण सफलता के साथ संपन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि यह तपोवन में 17वां तथा धर्मशाला में 18वां सत्र आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह सत्र 19 दिसंबर 11 बजे से आरंभ हुआ था और इस सत्र में कुल 5 बैठकें आयोजित की गईं। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही कुल 33 घंटे चली तथा इसकी उत्पादकता 132% रही। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के प्रथम दिन जहां पर नवनियुक्त मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय करवाया गया, वहीं स्वर्गीय बालकृष्ण चौहान के प्रति शोकोद्गार व्यक्त किए गए। प्रथम दिन दोनों पक्षों की आम सहमति से विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें माननीय सदस्य विनय कुमार सर्वसम्मति से विधानसभा उपाध्यक्ष चुने गए। उन्होंने कहा कि इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा 471 प्रश्न सरकार से पूछे गए थे, जिसमें से 348 प्रश्न तारांकित तथा 123 अतारांकित प्रश्न इस सत्र के दौरान कल 260 तारांकित तथा 119 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए। पठानिया ने कहा कि सदन में नियम 61 के अंतर्गत 4 विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त सदन में नियम 62 के तहत 5 विषयों पर तथा नियम 63 के अंतर्गत 1 विषय पर सार्थक चर्चा की गई। नियम 101 के अंतर्गत 5 नियम, 102 के अंतर्गत 2 नियम, 130 के अंतर्गत 7 तथा नियम 324 के अंतर्गत 7 विषयों पर सार्थक चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सभा की समितियों के 41 प्रतिवेदन सभा में उपस्थित किए गए। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्रियों ने अपने अपने विभागों से संबंधित दस्तावेज भी सभा पटेल पर रखे तथा महत्वपूर्ण वक्तव्य भी दिए गए। पठानिया ने सदन की कार्यवाही संपन्न होने पर मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष तथा मुख्यमंत्री सहित संसदीय कार्य मंत्री का भी धन्यवाद किया। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश तथा देशवासियों को क्रिसमस तथा नववर्ष की अग्रिम बधाई तथा अनंत शुभकामनाएं दी और सभी के लिए नववर्ष सुखद, समृद्ध तथा मंगलमय हो, ऐसी कामना की। आप सबको विदित है, मालूम है कि 14वीं विधानसभा का ये चौथा सत्र जो था वो धर्मशाला में, तपोवन में यहाँ आयोजित हुआ। ये विंटर सेशन था और ये जो है इससे पहले 17 और ये 18वां तपोवन में सेशन हुआ है। और अभी मैं सदन को भी जानकारी दे रहा था और मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगा कि सदन की टोटल कार्रवाई 33 घंटे के करीब चली और इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 130% रही है। यानी जो 5 दिनों में जो अलॉटेड टाइम था विधानसभा को, उससे ज़्यादा काम विधानसभा में हुआ है और विभिन्न प्रकार के मुद्दे जो हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े थे, पक्ष के द्वारा, विपक्ष के द्वारा जो भी सदन में लाए गए, उन सारे विषयों को विधानसभा सचिवालय ने कोशिश कर जो है उसको चर्चा में लाया और बहुत सार्थक चर्चा हुई। और इस सार्थक चर्चा के माध्यम से मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश के जो निवासी हैं, जो हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग के जो लोग हैं, हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके लिए जो है सरकार के द्वारा नीति निर्धारण में सहयोग मिलेगा, नियम कानून बनाने में सहयोग मिलेगा और हिमाचल प्रदेश का और हिमाचल प्रदेश की जनता का लाभ होगा। ये कुछ बातें मैं आपके समक्ष कहना चाह रहा था। और आप में से बहुत सारे साथी जो थे वो अंदर भी थे और बाहर से भी, आपने विधानसभा के परिसर के अंदर और विधानसभा के परिसर के बाद जो भी विषय आए उनको हिमाचल प्रदेश के जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। आप सबका भी, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 5 दिन का जो विंटर वेकेशन, अभी विंटर का जो सेशन होता है, आज उसकी समाप्ति हुई है। कई विषयों पर बहुत सार्थक चर्चा हुई है और मेरा मानना है कि विपक्ष को, जैसे कि मैंने कहा है, जब वो सवाल अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित पूछते हैं
या विकास से संबंधित पूछते हैं तो उसमें वॉकआउट नहीं करना चाहिए, जिसके कारण सवालों का उत्तर जो है और जो सप्लीमेंट्री उन्होंने पूछना होता है वो उनका छूट जाता है। लेकिन जिन भी मुद्दों पर बहस हुई है हमने उसका, सारी सरकार ने उसका लोगों के सामने अपने विचार प्रकट किए हैं और उत्तर भी दिया है। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विरोध का एक अलग तरीका होता है और हम सब विपक्ष के विरोध के तरीके का भी सम्मान करते हैं, लेकिन जब कभी भी बहस हो तो तर्क वितर्क के साथ होनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया कि कई विधायक अगर अमेंडमेंट पर बोलना है, एक्ट पर बोलना है तो वो चर्चा ले आते हैं जनरल किसी और की, तो इस प्रकार की चर्चा से विधायकों को बचना चाहिए और जहाँ अमेंडमेंट लाया जा सकती है उसके हिसाब से हमें बात करनी चाहिए। सर इस चर्चा में हमारे कई बिल भी पास हुए हैं, काफ़ी स्पीकर महोदय ने इस बार चर्चा में विपक्ष को कई बार ऐसा मौका भी दिया कि एक मुद्दे पर कानून व्यवस्था पर उन्होंने पहले वॉकआउट कर दिया था और अगले दिन उसको भी चर्चा पर लगाया, तो स्पीकर महोदय ने एक विवेक से जो फैसले किए वो भी बहुत अच्छे हैं। जिसमें सर तमाम बैठकों में विपक्ष से कितनी मदद मिली ताकि हिमाचल प्रदेश की आवाम के लिए कुछ नई चीज़ों के लिए आप लेकर आए? नहीं, वो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आता जाएगा ना वैसे वैसे विपक्ष सदन की कार्रवाई से भागता रहेगा। आपने हिंदू विचारधारा को हराया है, भी दर्ज किया कि मदरसों की संख्या प्रदेश में बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है, एक विशेष वर्ग को भी टारगेट बीजेपी ने किया, आप उनके बयान को किस तरह देंगे? ऐसी कोई बात नहीं है सर, गारंटियों पे जो विपक्ष ने प्रदर्शन किया पांचों दिन नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है कि गारंटियों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर विडंबना क्या है? जो गारंटियां हमने एक साल में पूरी कर दी, आर्थिक बदहाली के बाद भी ओपीएस सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को दिया, 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना ई टैक्सी की प्रथम चरण की शुरू कर दी गई, एक विधानसभा में हमने 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल बोले थे, हमने कहा कि नहीं किसी विधानसभा में पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए कि 4 गवर्नमेंट स्कूलों में हमने इंग्लिश कर दी और बाकी भी नहीं, हमने उसकी सारी स्कूलों में अगला जो शैक्षणिक 70 हो रहे हैं उसमें हमने वो इंग्लिश मीडियम स्टार्ट कर दिया। ये छोड़िए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज विधानसभा में जिस आउटसोर्स को लेकर, उनको कर्मचारियों को लेकर जो बात कह रहे थे और बार बार पूछ रहे थे एक साल में बताइए नौकरियाँ कितनी दी, तो हमने उन्हें बताया कि सोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के हमने 6 रिजल्ट निकाल दिए जिसमें से 586 लोगों को सरकार ने नौकरी दे दी, उसके अलावा 1184 लोग एक साल में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो शिमला में है उसके माध्यम से नौकरियां दे दी, और अभी इसमें 31 मार्च तक 20,000 नौकरियां और निकाली जा चुकी है जिसमें 6,500 TGT शास्त्री JVT बैच 22 भर्तियों की शुरू हो चुकी है, 261 वन मित्रों की भर्तियां हो रही है, 800 स्टाफ नर्सेज और 600 अलाइड सर्विसेज हॉस्पिटल से जैसे OT वाला उनकी भर्तियां शुरू हो रही है, और उसके अलावा 9,500 IPH में मल्टीपर्पज वर्कर की भर्तियां शुरू हो रही है, 384 कंडक्टर की भर्तियां शुरू हो रही है, 984 पटवारियों की भर्तियां शुरू हो रही है। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20,000 नौकरियाँ नहीं दे सकी और 5 साल में मंत्रियों को विभाग जिस दिन मिलेंगे मैं सब पत्रकार बंधुओं को जाकर बताऊंगा। लोहड़ी नए साल में भी शुरू होती है, हमारे जो हिंदू धर्म के अनुसार होते ना तो कई चीजों से लोहड़ी से भी शुरू होते हैं, इस साल भी मिल सकते हैं और अगले साल भी मिल सकते हैं। सर पत्रकारों के सुख सुविधा के लिए भी सरकार कोई पॉलिसी बिल्कुल सोच रहे हैं? कब तक सर, साल भर हो गए? अगले देखिए साल भर में थोड़ी सोचा जाएगा, 5 साल के लिए आए हैं, 5 साल में तो इस प्रदेश के बारे में सोचा जाएगा जहाँ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, कायदे कानून बदलने जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं,
ताकि इस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए, ताकि हमारे पास कुछ राजस्व पैदा हो जिससे आपको भी सुविधा मिले। क्रेशर अगर वाले मालिक अगर रूढ़ी के मनमाने दाम वसूलेंगे तो सरकार उसका रेट कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अगर उन्होंने दामों को कम नहीं किया।